हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एच सी व्लॉग। तो मैं हूँ आपके साथ पीयूष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंट्रो का बेस वेरिएंट। ये ईरा मॉडल है। बेसिकली इसमें फोर वेरिएंट्स आते हैं, ईरा, मैगना, स्पोर्ट्स, देन एस्टा। तो ये ईरा मॉडल है बेस एंड वेरिएंट। आज हम इसका पूरा वॉक अराउंड रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, फीचर सब कुछ बताएंगे, ऑन रोड प्राइस बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्विक वॉक अराउंड ले लेते हैं कार का। ह्युंडई की सबसे ज़्यादा सेलिंग कार रही है आज तक की सेंट्रो। ये इसका थर्ड जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं आप। और इसमें आपको सिंपल की मिलेगी क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, सिंपल की मिलेगी, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपको सेंटर लॉकिंग भी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम फ्रंट से बात करते हैं। इसमें सिंपल हमें हैलोजन लैंप्स मिल जाएंगे विथ टर्न इंडिकेटर। और बम्पर में आपको कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेगा। ये फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, मेन ग्रिल भी यही है। उसके ऊपर हमें हुंडई का लोगो दिख जाएगा फुल क्रोम में। और सिंपल बम्पर मिलेगा, कोई स्किट नीचे हमें ब्लैक कलर की स्किट देखने को मिल जाएगी, सिल्वर नहीं मिलेगी। और अगर हम टायर साइज की बात करें तो इसमें हमें मिलेगा वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ 165 80 R 13 इंचिस के। इसमें आपको टायर मिलेगा 13 इंचिस का टायर, सिंपल मिलेगा। व्हील कप भी मिलता है ऑलमोस्ट। सेंट्रो में एक बात गलत करेगी, टॉप एंड वेरिएंट भी लेंगे तो भी आपको व्हील कप ही मिलेंगे, अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। तो टर्न इंडिकेटर की पोजीशनिंग यहाँ पे करी गई है। और ओआरवी में आपको ब्लैक कलर मिलेगा, बॉडी कलर नहीं मिलेगा, रूफ फ्रेम्स भी नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाएगा, लगवाना पड़ेगा अभी आप पे। आपको आफ्टर मार्केट मिलता नहीं, डमी दे रखी बिल्कुल। और डोर हैंडल की बात करें ये भी आपको ब्लैक कलर मिलेंगे, बॉडी कलर नहीं मिलेंगे। तो ये आपका फ्यूल टैंक आ जाएगा यहाँ पे। 35 लीटर की इसकी कैपेसिटी है फ्यूल की, आप 35 लीटर का फ्यूल भरवा सकते हैं इसका। और अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो ये आपको ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर पर लीटर में आपको एवरेज निकाल के देगी सेंट्रो। तो ऐसी कुछ इसके रियर की प्रोफाइल रहने वाली है पूरी। तो बूट को खोलने के लिए आगे से खोलना पड़ेगा, पीछे कोई की के लिए दिया नहीं हो। तो पहले हम बूट खोल लेते हैं। तो ये है इसका बूट। बूट काफ़ी बड़ा नहीं है पर बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही है। आपको कोई लैंप नहीं मिलता और नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगी, जिसका साइज़ भी सेम रखा गया है। और पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं मिलती आपको इसमें, ना डिफॉगर ना आपको वाइपर मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है सब कुछ पता। और हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको देखने को मिल जाएगा, सेंट्रो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं टेलम्स की बात करूँ तो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन आने वाला टेलम्स का, सिंपल मिलेंगे, एलईडी नहीं मिलते, और रिवर्स लाइट एंड टर्न इंडिकेटर। अगर हम थोड़ा नीचे आए इसका रियर का बम्पर देखें, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। एक बात अच्छी करी गई है कि आपको बेस वेरिएंट से आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको एग्जॉस्ट की पोजीशनिंग करेगी। ह्युंडई का आपको लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आप कार के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको उसका फ्रंट डोर दिखाना चाहूँगा। डोर टोन में आता है, पेज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेस, बॉटल कैरी कर सकते हैं इजीली, पर यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम मिलेगी, बॉटल वगैरह गिर सकते हैं, तो ये थोड़ा ऊपर देना चाहिए था। चलो ये इसका हैंडल जिससे आप डोर खोल सकते हैं प्लास्टिक कवर का। तो अब हम आ गए कार के अंदर। तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग सीट सेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट सेट कर ली है। ये उसका स्टेयरिंग है, सिंपल है पर काफ़ी ज़्यादा साइज़ बहुत अच्छा है इसका। और सिंपल मिलेगा, लेदर ऐप नहीं मिलेगा, कोई बटन देखने को नहीं मिलेंगे, सिल्वर की आपको स्किट देखने को मिल जाएगी यहाँ पे भी। ह्युंडई का लोगो
ये भी सिंपल मिलेगा, क्रोम में नहीं मिलेगा, यहाँ पे एयरबैग मिलेगा। बेस वेरिएंट में आपको वन एयरबैग ही मिलेगा और ऐसा इसका कुछ हॉर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसकी की। तो ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है और आप लाइट का ओवरव्यू देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बीच में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा जिसकी मैक्स स्पीड 180 तक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको आरपीएम मीटर में देखने को मिल जाएगा क्योंकि पेट्रोल है तो इसकी मैक्स आरपीएम 8000 की है। और यहाँ पे आपको एक एमआईडी मिल जाएगी जिसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, तो इसे हमने कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आपको फ्यूल लीड भी मिलेगी। यहाँ पे आप ट्रिप ए एंड ट्रिप बी मिलेगा, किलोमीटर कवर्ड मिलेगा और एवरेज भी मिलेगी। तो काफ़ी सारी आपको वार्निंग लाइट देखने को भी मिल रही हैं। और ये पूरा इसका सेंटर कंसोल रखा गया है ऐसा। एसी की पोजीशन का आपको देखने को थोड़ी ऐसी लग रही होंगी, काफ़ी फंकी पोजीशन रखी गई है और अच्छी भी है, फ्लो अच्छा है। इसका फ्लो भी चेक कर लेना एक बार, तो फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका, क्योंकि वंस की स्पीड पर भी फ्लो बहुत ज़्यादा तेज है इसका। ये पूरा इसका मैनुअल कंसोल है एसी। आपको कोई इन्फोटेक सिस्टम नहीं मिलता क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। जो एसी वेंट्स है पूरे सिल्वर में दिए गए हैं, मैट सिल्वर में, और 1000 लाइट का बटन मिल जाएगा, एसी ऑन ऑफ के लिए बटन, मैनुअल एसी पूरा, जहाँ से आप ये अपना फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ पे फ्लो चाहिए, पैर पे चाहिए, अपने फेस पे चाहिए, ये पूरा फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए। एंड दिस इज़ फॉर द टेम्परेचर, यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। ये एसी वेंटिलेशन के लिए ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने को। और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल में मैनुअल 5 स्पीड ही आता है मोस्टली। और जो इसके पावर विंडो कंट्रोल है यहाँ पे सेंटर में देखने को मिल जाएंगे। ये ड्राइवर साइड के लिए, कोपस इंडिक साइड के लिए, देख सकते हैं आप। और दिस साइड भी आपको सेम मिलेगा, और बंद करने के इसको आपको ऊपर को वर्क करना पड़ेगा बस। और अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी पूरी स्पेस दी गई है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं कुछ सीट्स की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको फैब्रिक देखने को मिल जाएगा इसमें, पेज एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन गया है। पूरे इंटीरियर के मैच के साथ ही आपको सीट कवर मिल जाएंगे अपने साथ। और ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड है। विजिबिलिटी की बात करूँ तो अच्छी है इसकी विजिबिलिटी, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। बहुत लो नहीं बैठते आप, एक अच्छी हाइट देती है सेंटर। और आप थोड़ा सा नीचे को डिज़ाइन देख रखा है, डिज़ाइन दिया हो, थोड़ा कुछ लगाना हो या कार पे कुछ सामान रखने तो यहाँ पे सही रहेगा। डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका। और अगर आप एसी वेंट देखें तो ऐसे कुछ इसके एसी वेंट दिखते हैं पूरे गोल, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा रबड़ फिनिश में दिया हुआ है ये। और मैनुअल एसी आप एसी कह गया, आपको ORVM जो है आपको मैनुअली करने पड़ेंगे क्योंकि बेस वेरिएंट है। अगर आप हाई वेरिएंट में जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ऐसा कुछ इसका ग्लोव बॉक्स है, डिसेंट साइज़ है, ये कूल्ड नहीं है, सिंपल है। और ये इसका रियर व्यू मिरर जो आपको सिंपल मिलेगा। और ड्राइवर साइड आप वैनिटी नहीं मिलेगी आपको, को पैसेंजर साइड भी वैनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि बेस वेरिएंट है। यहाँ पे आपको कोई लैंप नहीं मिलेगा, आपको लैंप सिर्फ बी सेंटर में मिलेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया सारा कुछ, तो अब हम चलते हैं रियर में। देख मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट सेट कर लिया, हम देखते हैं रियर में हमें कितनी स्पेस मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5.11 है और मेरे पास इनफ लेग रूम अवेलेबल है। अंडर थाई स्पोर्ट आप डिसेंट कह सकते हैं क्योंकि इतनी ठीक है, ठीक है, ओके ओके डिसेंट है। और अगर आप हेड रूम की बात करें, हेड रूम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, आप देख पाए रहते हो। तो सिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आराम से 3 जने बैठ सकते हैं ईजिली मेरे अकॉर्डिंग। और ऑलमोस्ट फ्लैट आपको बॉटम यहाँ पर मिलेगा, इसका ब्लैक बॉटम मिलेगा पूरा। और इस डोर की बात करें तो ये भी सेम रखा गया है, ब्लैक एंड पेंट में कॉम्बिनेशन, पर पीछे आपको मैनुअल मिलेगा।
ऑटो मतलब पावर विंडो नहीं मिलेगा आपको, मैनुअली मिलेगा अपने विंडो डाउन करने के लिए। अगर आप हाई ट्रिम में जाएंगे ये भी आपको पावर विंडो में मिल जाएगा, फिर ये मैनुअल है। एसी आपको डमी दिख रही है, इसमें एसी है, एसी क्या स्पीकर डमी है, इसमें स्पीकर नहीं आते। आप आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, कंपनी से भी लगवा सकते हैं। अगेन आप यहाँ बॉटल कैरी कर सकते हैं, हैंडल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको हैंडल मिल जाएगा डोर बंद करने के लिए। तो ये पीछे और कुछ नहीं मिलेगा, बस ये ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे। और जो इसके सारे हेडरेस्ट हैं चारों सीट के, ये स्टील आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आप हाई ट्रिम पे जाएंगे तो आपको एडजस्ट करने को मिल सकता है। तो अब हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये आपको शोरूम प्राइस पड़ेगा आपको 4,67,000 का, और अगर मैं ऑन रोड की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा 5,43,000, जो ठीक है। बेस मॉडल का प्राइस ये है। और इसका हम कंपटीशन की बात करें तो इसका टफ कंपटीशन होता है टाटा की टियागो से। तो ये था आज का हमारा पूरा व्यू। और आपको कोई भी क्वेरी लेनी है या कुछ भी पूछना है कोई कार, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल करके कोई भी कार की, हुंडई कार की क्वेरी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।